अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ शाद रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़ाबाद में, जहाँ पर क़िबला अमीर मुजाहिदीन बनाफी ख़ातम नबीन अलामा ख़ातम हुसैन रिज़वी रहमान ने सबसे पहला दर्जा यानी कि जो फैज़ाबाद में दिया था वो यहाँ पर था जो 2017 में दिया गया था। और आज फिर कायद मिलत इस्लामिया अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब की ज़ेर क़यादत में आज हम यहाँ फैज़ाबाद पहुँच चुके हैं और कायद मिलत इस्लामिया अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि हमारा यहाँ फैज़ाबाद में धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो हमारे मुतालबात हैं जो तीन फ़लस्तीन के हवाले से आपके सामने रखे हैं उनको पूरा नहीं किया जाता। तो अभी ये काफ़रा यहाँ पर ही रुक चुका है, यहाँ पर इसका पड़ाव है और कायदी ने वाज़े ये ऐलान कर दिया है कि अब यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। यानी कि वाज़े ऐलान में ये है कि यहाँ पर धरना अब स्टार्ट हो चुका है। पहला धरना 2017 में था, फिर 2020 और अब 2024 में कायदे मिलत इस्लामिया अलामा साद हुसैन साहब के ज़ेर क़यादत आज यहाँ पर धरना शुरू हो चुका है। तो ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो जो तीन मुतालबात हैं फ़लस्तीन के हवाले से वो पूरे नहीं हो जाते। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है लेकिन अभी सारी अमन व अमान की सूरत हाल है, कोई भी अभी तक परेशानी नहीं देखने को मिली। तो जिस तरह अगर कोई मामला बनते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको यहाँ से मार्च से आगाह करते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्च के हवाले से हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जो सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, बहुत सारे फेक वीडियो वहाँ पर पहुँचती है लेकिन वही वीडियो उसकी आप तस्दीक करें और उसी पर ही अमल करें जो यहाँ मार्च से अगर कोई कारकुन कोई मुहिबीन कोई दोस्त आप तक पहुँचाता है।